सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और आज के ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत सुबह नाश्ते के साथ। अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब ये पराठे बनेंगे और मज़ा भी आता है। सर्दियों में खाने पीने का असली वजह है, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं पनीर का पराठा और अपने लिए बनाएंगे हम ये पालक। ये भी सर्दियों वाली सब्जी है और आज बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा आज, क्योंकि कल करवा चौथ है तो आज तैयारी करनी है, मेहंदी लगवानी है, थोड़ी बची हुई जो शॉपिंग है वो करनी है। यहाँ मेरे बेटे के लिए अंडा बन रहा है। वैसे हम ट्यूसडे को एग नहीं खाते हैं पर मैं उसके लिए बनाती हूँ क्योंकि वो और कुछ नहीं खाता, यही चीज़ें खाता है। चलिए फिर आगे जो जो होगा वो एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगी तो ब्लॉग में बने रहना। जब एक दो जनों के लिए बनानी होती है ना सब्जी, तो मैं तवे में ही बना लेती हूँ रोटी बनाने के बाद। दिन के बज रहे हैं 12 और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, मतलब घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो मुझे लगानी है मेहंदी क्योंकि कल है करवा चौथ। तो वैसे तो मैंने सोचा था इस बार मैं बाहर से लगवाऊंगी, लेकिन वही है कि साथ में कोई है नहीं ले जाने वाला और फिर मेरे को थोड़ी सी अपनी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी लग रही है क्योंकि अभी घर में सबको फीवर चल रहा था, सबको ठीक हो गया, मेरे को ऐसा जुकाम और थोड़ा थोड़ा सा ऐसा गर्म लग रहा है। तो देखती हूँ मैं एक हाथ में खुद लगाऊंगी और कोशिश करूँगी दूसरे हाथ में बाहर से लगाऊँ, अगर कोई अवेलेबल होगा मुझे ले जाने के लिए तब जाके। नहीं तो मैंने देखा यहाँ पर पीछे ना टीवी में स्क्रीन चला रखी है और यहाँ से देख देख के डिज़ाइन लगाऊंगी मैं। वैसे मुझे मेहंदी लगानी आती है पर मैं ना डिज़ाइंस भूल जाती हूँ, तो डिज़ाइंस के लिए मैंने अपनी टीवी स्क्रीन खोल रखी है, यूट्यूब पर देख देख करके लगाऊंगी। तो चलिए मैं लगाती हूँ और लगने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगी है। तो इतनी मैंने लगा चुकी हूँ, मैं इतनी देख देख के लगा रही हूँ। मेहंदी मैंने लगा ली है और कितना टाइम हो गया मुझे, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में लगी है मेहंदी। मैंने ब्रेक ले लेके लगाई है, मतलब आराम से खाते पीते। तो ये देखो इस तरीके की, मैंने इसमें हैप्पी करवा चौथ भी लिखा है वहाँ से देख करके, तो मिली जुली। मैंने सोचा था मैं एक डिज़ाइन लगाऊंगी पर मुझे फिर वो डिफ़िकल्ट लगा, तो फिर मैंने दूसरा फिर तीसरा ऐसे ना मैंने मिक्स 2-3 डिज़ाइन मिक्स करके इसमें लगाए हैं। और अभी मैं वेट कर रही हूँ उसके सूखने का, अभी गीली है और मैंने यहाँ पर ये जाल बनाया है, तो अभी देखते हैं उसका कलर कितना आता है। दूसरे हाथ में देखती हूँ बाहर से लगवाऊंगी। तो मेरी मेहंदी लग चुकी है, ये देखो पास से तो मैंने आपको दिखा दी थी, मैंने सोचा एक बार मैं अपने फेस के साथ आप लोगों को दिखा दूँ कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब जाऊंगी मैं मार्केट और मार्केट का भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लगी है मार्केट और क्या क्या मैं लेती हूँ। आज मेन जो है मेरे को लेना है पूजा का सामान, करवा वगैरह फ़ोटो और ये सब, और लूँगी मैं एक जोड़ी कपड़े नए जो मैं कल पहनूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, ब्लॉग में बने। इनके बज रहे हैं 3 और यहाँ पर चल रही है मार्चिंग, यहाँ पर मार्चिंग होती रहती है आई थिंक, मे भी कोई फंक्शन हो। तो आज गर्मी है थोड़ी सी और अभी थोड़ी देर में मैं मार्केट निकलूँगी जब ये थोड़ा सा, आजकल वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, तो जब धूप कम हो जाएगी तब मैं मार्केट के लिए निकलूँगी। अभी मैं यहाँ धूप में अपनी मेहंदी सुखाने के लिए खड़ी हो रखी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए और मैं इसे वॉश कर लूँ। मैं आ गई हूँ अपनी पुरानी मार्केट में, यानी कि मंगल चौक। बताया था ना मैंने कल वाले ब्लॉग में, जो बच्ची कुछ शॉपिंग है वो करने के लिए पूजा का सामान लेना है मोस्टली मुझे, तो और सब्ज़ी भी लेनी है, सब्ज़ी और फ्रूट, तो वो मैं यहाँ से ले लूँगी। यहाँ से बढ़िया सब्ज़ी मिलती है और वहाँ जहाँ हम रहते हैं अभी शिफ्ट किया, मैं फिर पुरानी मार्केट से लेती हूँ, वहाँ का आइडिया भी नहीं है और वहाँ से फिर महंगी मिलती है। ये तो पूरा
8 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया हम लोगों को। अब मैं आई हूँ यहाँ स्वीट शॉप में क्योंकि कल प्रसाद चढ़ाने के लिए भी मिठाई चाहिए। और आगे कहाँ आ गए तुम? है ही नहीं। देखो कितनी है, कहाँ पर यार, बड़ी भीड़ लग रही है इसके अंदर। मैं बोल रही थी मैं बीकानेर से ले लो। मैं ढूंढ रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो मुझे इसमें अखरोट साबुत वाले चाहिए। ये वाला ले लो ना, ये ले रहे हैं। ये साबुत ले लेते हैं और एक प्लेट उठा लेते हैं। ये नहीं, और मिठाई ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम लोग मनाते हैं, हम लोग ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करते हैं हस्बैंड को, और उसे ही पूजा में चढ़ाते हैं, और पूजा कंप्लीट होने के बाद गिफ्ट देते हैं ड्राई फ्रूट्स। उसके साथ ही मैं अपने लिए करा रही हूँ काजू कतली, जो कि मेरी फेवरेट है, और मीठी मटली। और ये लोग यहाँ पर इतना बिजी हो रखे हैं। सुनील चलो ले लिया हमने अपना सामान। ये है आज की शॉपिंग मेरी। गई मैं कपड़े लेने के लिए थी, लेकिन मैं कपड़े ले नहीं पाई, वहाँ मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि कोई ले जाने वाला नहीं था। मैं लेकिन जो ज़रूरी था वो था मेरा पूजा का सामान, प्लस मुझे लेने थे ये ड्राई फ्रूट्स क्योंकि मैं गिफ्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम लोग जो यहाँ पे हस्बैंड को ये लोग ये चीज़ें देते हैं पूजा में रखने के बाद, मतलब हम जैसे मेरी सासू माँ करती हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। उसके साथ ये है मिठाई चढ़ाने के लिए, करवा माता की फ़ोटो है, ठीक है, और बाकी फ्रूट्स और जो भी चढ़ता है वो सब है। तो यहाँ मेरी बन रही है आलू और बैंगन की सब्ज़ी, आधी मैं बना के चली गई थी, ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, 8:30 बज गए, मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लग जाएगा। तो अच्छा हुआ मैंने आधी बना के गई थी। अब ये आधी जो है इसको मैं अब पका रही हूँ आधी, और अब रोटी बनाऊँगी तो काम हल्का हो जाता है। तो ये बनी चुकी है गली, थोड़ा सा और इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी, और फिर ये मुझे लटपटी सब्जी अच्छी लगती है। इसके साथ ही मैं बनाऊंगी रोटी, और फिर खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग को मैं एंड करने वाली हूँ, और कुछ मैंने किया नहीं, और ऑलरेडी अब 9 बजने वाले हैं, तो मैं इस ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। आपसे मुलाकात होगी कल करवा चौथ वाले ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि कल का ब्लॉग, मतलब जो मेन जिस दिन करवा चौथ है उस दिन का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं कुछ बताना नहीं चाहती, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं कल करवा चौथ वाले ब्लॉग में, तो आप मिस मत करना, मेरे साथ जुड़े रहना। वैसे तो मेरे सारे ब्लॉग देखना, पर फिर भी कल वाला ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से कल, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। Thank you.